नाउ लाइव हर जुर्म का पर्दा। महाराजगंज अनुमंडल शहर के भारतीय स्टेट बैंक से पैसा सीएसपी पर ग्राहकों को देने के लिए ला रहे सीएसपी संचालक अभिषेक कुमार से महाराजगंज बीएसएनएल टावर के समीप अपराधियों ने हथियार के बल पर 1,09,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही महाराजगंज पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। सीएसपी संचालक अभिषेक कुमार ने कहा कि दो बाइक पर 6 की संख्या में हथियार लैस अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने कहा कि पीड़ित द्वारा शिकायत मिलने के तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। थाना प्रभारी ने कहा कि थाना गेट के सामने पुलिस वाहन जांच अभियान चला रही थी, जहां हेमलेट का चालान कट जाने के डर से सीएसपी संचालक मेन रोड छोड़कर गली का रोड से जा रहा था, तभी सुनसान रास्ता देख अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। हम एसपीआई से आ रहे थे महाराजगंज होते हुए मेन रोड पे, तो जो मेरा कस्टमर था मेरे साथ में, तो उसका मास्क वास्क नहीं लगाया था, तो बोला सर साइड वाले रूट से चला जाए। जैसे हम 10-20 कदम आगे बढ़े हुए थे साइड वाले रूट में, वैसे अपराधियों ने हथियार दिखाया। हथियार देखते ही हम उसको बैग दे दिए। बैग के बाद एक मिनट तक रोक के उन्होंने हमारा सर्च किया। पूरा सर्च के बाद जो मेरा बाइक वाइक का चाबी वाबी था वो सब ले लिया है, लेके भाग गया सब। मारा वारा नहीं हम। कितने संख्या में थे? एक बाइक पे 3, फिर बैग से आया 3 गो, 6 गो था। 6 गो था लोग। कितने पैसे थी आपके? 1,09,000। कहाँ ले जा रहे थे पैसा आप? सीएसपी कोथवा सरोपुर। परिचय दे दीजिए। सीएसपी संचालक कोथवा सरोपुर।